हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है कि हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताएंगे कि कैसे जो है आपको यूट्यूब पे काम करना है, कैसे उन 10 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो है यूट्यूब पे आप जो है सक्सेस हो सकते हैं और आपके जो व्यूज हैं वो बढ़ेंगे और लोग आपके कंटेंट को देखेंगे भी और धीरे धीरे जो है आप अपने जो आप भी मोटो लेके आप आए हैं यूट्यूब पे उसमें सफल भी होंगे। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हम जो है यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हैं और कैसे हमको वीडियो अपलोड करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने वो 10 टॉपिक्स नोट करके रखे हुए हैं और काफ़ी जो है जो चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और इससे जो है मेरे को काफ़ी हेल्प भी मिली है और आई होप कि आपको भी 100% इससे जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे और आप इसको ध्यान दीजिएगा जब भी आप वीडियो बनाना है या अपलोड करना है, जो भी आप उस पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टॉपिक की। देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, आप वीडियो जो है बनाते तो हैं, ठीक है, आपने अगर मोबाइल से वीडियो शूट करा और या कैमरे से शूट करा, शूट करने के बाद वीडियो को आपने जो भी उसमें एडिटिंग करा और उसके बाद में डायरेक्ट आपने अपलोड कर दिया, ठीक, नाम डाल के टाइटल डाल के आपने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको, जब वीडियो आपकी बना के आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उस वीडियो का नाम भी चेंज करना है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो वीडियो जो भी आप अपने मोबाइल से बनाते हैं उसकी जो एक उस वीडियो का जो नेम होता है वो कुछ एक कोड टाइप में होता है, जो कि एक आपके मोबाइल के सीक्वेंस में जो सीरियल नंबर चल रहा होता है उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाता है तो अगर आपने उस वीडियो का एक सेपरेट नाम दिया हुआ है जो जिससे की रिलेटेड उसमें जो है कंटेंट हैं, ठीक है, तो जब कोई बाय नेम जो है वो वीडियोस को सर्च करता है तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो वीडियो रैंक में आएगी। तो इसलिए जब भी आप जो है वीडियो बना लें, बनाने के बाद में उसका नाम जरूर चेंज करें, पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप वीडियो तो बना लिए, ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप उसका जो टाइटल लिख रहे हैं, जो उस वीडियो का नाम लिख रहे हैं, वो आपके वीडियो से जो है सूट करता हो, ठीक है, और उसका जो कीवर्ड आप चुनिए वो कीवर्ड हो सके तो ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई सर्च करे तो वो जो है मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड हो, ठीक है। कीवर्ड मतलब उसका जो नाम है, ऐसा नहीं कि हिंदी में बहुत लंबा सा नाम लिख दिया, नहीं, कोशिश आपको ये करनी है कि उसका नाम कुछ ऐसे लिखिए कि उसमें 3-4-5 जो भी उसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके उस वीडियो से रिलेटेड हों, ठीक है, उसका जो टाइटल है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका वीडियो जो है वो सर्च में आएगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं लिखूं कि हाउ टू सक्सेस ऑन यूट्यूब, ठीक है, आप इतना लिखते हैं तो अगर आप देखते हैं सक्सेस ऑन यूट्यूब तो एक कीवर्ड इसमें मिल जाएगा, हाउ टू सक्सेस ऑन यूट्यूब तो भी मिल जाएगा, हाउ टू सक्सेस यूट्यूब तो भी मिल जाएगा। कहने का मतलब कि आप जो नाम दे रहे हैं, जो भी टाइटल उसको दे रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो सर्च में आवे। ऐसा नहीं कि हमने हिंदी में जो है बहुत लंबा सा नाम लिख दिया है और कभी कोई उस नाम के थ्रू उसको सर्च ही ना करे तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा टाइटल चुनना है, दूसरी बात। अब बात करते हैं तीसरी, ठीक है। आप जो है जब एकदम नए नए हैं, आप जो है यूट्यूब पे एक फ्रेशर्स हैं, तो क्या करना है आपको, वीडियो बनाने के बाद उसके जो लिंक्स हैं उनको शेयर भी करना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास उतने अच्छे सब्सक्राइबर्स होते नहीं हैं और जब सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तो वो जो है रैंडमली उतने नोटिफिकेशन जो है भेजता नहीं यूट्यूब, तो इसलिए शुरू में आपको वीडियोज़ ज़रूर शेयर करने हैं। बाद में आप जब एक टाइम पीरियड के बाद में आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है, इंगेज विद योर व्यूअर्स। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड किए और लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, कोई उस पर लाइक कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने उन अपने जो ऑडियंस हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने ऑडियंस के साथ इंगेज होइए, इससे क्या है कि आपके साथ व्यूअर्स और अच्छे बढ़ते हैं और जितने ही ज़्यादा जो है आपके वीडियो पे कमेंट आते हैं, लाइक्स होते हैं, ठीक है, आप डिस्कशन करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि इस पे जो है लोगों को इंटरेस्ट है और वो ज़्यादा लोगों के पास में उस वीडियोस को का इंप्रेशन भेजता है, ठीक है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिप्लाई टू कमेंट, यानी कमेंट का जो है जवाब जरूर देना है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम एटीट्यूड में है, अपने को कमेंट नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमको जेंटली उनको जो है अपने ऑडियंस के साथ इंगेज होना है और उनके कमेंट्स का जो है रिप्लाई भी करना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, चूज अट्रैक्टिव थंबनेल। थंबनेल बोलते हैं जब वीडियो के ऊपर एक बैनर बनाते हैं आप लगाते हैं, जिससे कि आपका मन करता है कि इस वीडियो को क्लिक किया जाए, इसके अंदर क्या होगा, ठीक, उसी को थंबनेल बोलते हैं। तो आपको एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि उस वीडियो के अंदर जितने भी कंटेंट आपने लिखे हुए हैं सारे एक्चुअल उस पर जो है सारी चीजें आपको उस थंबनेल पे लिख देनी है, नहीं। थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखना चाहिए कि अंदर क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मिसलीडिंग नहीं करना है, ओके, आपको मिसलीडिंग नहीं करना। मिसलीडिंग मतलब होता है कि आपने जो है कंटेंट तो कुछ और बनाया है और थंबनेल कुछ भद्दा सा वल्गर सा बना दिया लोगों को ऑडियंस को बुलाने के लिए, तो फिर वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अच्छा जो है थंबनेल बनाना है जिससे लोग उस पर आवे, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपका थंबनेल ही होता है, ठीक है। उसके बाद ही लोग जो है बाकी चीजें तो जब वो ओपन करते हैं तो वो चीजें पता चलती हैं, ठीक है ना। सातवां है, डिस्क्रिप्शन शुड कंटेन कीवर्ड। कहने का मतलब यह है कि जब आप वीडियो बनाते हैं कुछ अच्छा सा, उसको टाइटल दे दिए, नाम दे दिए, फिर उसके बाद में अपलोड करते समय आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें 5000 करेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखने का जो है चांस दिया होता है, ठीक है, मतलब उसमें इतना स्पेस रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन जी भर के लिखिए और खूब सारा डिस्क्रिप्शन लिखिए, मतलब उस वीडियो के बारे में आपने क्या क्या बताया है जितना हो सके लिख के बता दीजिए। और हाँ, उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जितने ज्यादा कीवर्ड्स हो सके, यानी जितने ज्यादा शब्द हो सके उसमें, उन शब्दों का जरूर इस्तेमाल करिए जो आपके वीडियो में यूज किए गए हैं। और वो शब्द ऐसे होने चाहिए कैसे, जो गूगल पे सर्च किए जाते हों। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। जनरली जब भी आप कुछ भी गूगल पे जो सर्च करने के लिए जो कुछ टाइप करते हैं वो कीवर्ड्स ही होता है, ठीक है। तो आपको ढेर सारे कीवर्ड्स यूज करने हैं अपने उस वीडियो से रिलेटेड जो कि आपने बनाया हुआ है, ओके। जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप अच्छे सिलेक्ट कर पाएंगे उतना ही अच्छा जो है चांस रहता है आपका वीडियो पे जो है व्यूज बढ़ने का, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, जब आप डिस्क्रिप्शन में ही जो है आपको हैशटैग भी डालना है। हैशटैग मतलब होता है कि आप जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो उसी में एक लाइन में आप जो है हैश का सिंबल बनाइए और जिससे संबंधित वीडियोस आप बनाए हुए हैं, जैसे यूट्यूब से के ऊपर बना रहे हैं तो उसमें लिख दीजिए हैशटैग, फिर बिना स्पेस दिए लिखिए यूट्यूब वीडियो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप हैशटैग डालते हैं तो उसमें कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं किया जाता है और जब एक टैग के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना, ओके। उसके बाद में आठवां पॉइंट है, ऑलवेज सिलेक्ट अ गुड टैग्स। आपको अच्छे टैग डालने हैं। टैग का मतलब वो कि वो जितने कीवर्ड्स आपके माइंड में आ सकते हैं, हर वो कीवर्ड्स जो उस गूगल पे सर्च किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे कीवर्ड्स आपको उसमें डालने हैं, ठीक है। तो कम से कम 10-15 टैग आप जरूर डालिए, ठीक है, तो वो बेटर है, मतलब बेटर रहता है, ओके। उसके बाद में है नौवां है, एडिट योर वीडियोस। हाँ, ये चीज बहुत मायने रखती है कि अपनी जब भी आप वीडियो अपना बनाए हैं तो एडिटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उतना ही अच्छा जो है आपका वीडियो देखने में लगेगा। और उसमें फालतू की चीजें मत रखिए, बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा भी मत खींचिए, और ऐसा ना हो कि बीच बीच में ऐसा लगे कि आपका जो है आप अपने ऑडियंस का टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जितनी अच्छी एडिटिंग रहेगी उतना ही अच्छा जो है चांस रहेगा आपके जो है यूट्यूब पे ग्रो होने के, ठीक है। और लास्ट 10 जो पॉइंट है वो है कीप गुड वीडियो लेंथ। मैंने देखा है कि जनरली जो नए नए यूट्यूबर्स आते हैं अपने मतलब कंटेंट लेकर के, वो शुरू शुरू में ही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोज अपलोड करते हैं, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। स्टार्टिंग में तो आप एकदम कोशिश करिए कि जो है आपका 5-8 मिनट के बीच का वीडियो बेस्ट होता है वो, ठीक है, और उससे भी 5 मिनट से भी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसका रीजन क्या है, अगर आप बहुत लंबा आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। वो इसलिए होता है, ऑडियंस रिटेंशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया, अगर ऑडियंस जो है उसको आई देखने के लिए 2 मिनट देखा, वीडियो को बंद कर दिया, अच्छा नहीं लगा उसको, अब आपको ऑडियंस रिटेंशन कितनी मिलेगी, 20% मिलेगी। 3 मिनट देखा तो 30%, 4 मिनट देखा, 10 मिनट की वीडियो है तो 40%। तो इस तरह से अगर आपने लंबा वीडियो बनाया है और लोग 1-2 मिनट के बाद में छोड़ के चले जा रहे हैं तो आपका जो रिटेंशन है वो बहुत कम आता है। और जनरली ये देखा गया है कि अगर 30-35% से कम ऑडियंस रिटेंशन आपको मिल रहा है तो YouTube का जो एल्गोरिदम है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, वो बहुत ज़्यादा आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। तो इसलिए आप अगर नए नए हैं तो जितने शॉर्ट वीडियो बनाएं, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट,
ऐसे ही बनाइए तो ज्यादा अच्छा है, और कोशिश करिए उसी में ही अपने मैक्सिमम कंटेंट दीजिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये 10 टिप्स जो है ये मेरे एक्सपीरियंस बेस पे भी मैंने जो है इन चीजों को मैं खुद फॉलो भी करता हूँ, और जो है तो आप जो है इस सब बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज जो जरूरी होती है यूट्यूब में वो ये होती है भाई, पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा मौका आएगा कि अरे यार बेकार है, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन वही है कि आपको छोड़ना नहीं है। उसमें कुछ आपको जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, आप उनके लिए वीडियो बनाइए। ये मत सोचिए कि हमको लोग गालियाँ दे रहे हैं, दोनों साथ में मिलती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।